इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सिद्ध हाईटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी दोस्तों का। आज हम बात करेंगे फ़ोन पे से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो काफ़ी आसान तरीका है, आपका फ़ोन पे का ये इंटरफेस है। जैसे ही आप ये इंटरफेस खोलेंगे, उसके बाद आपको माय मनी में जाना है। माय मनी में जाने के बाद आपको सबसे नीचे वेल्थ मैनेजमेंट दिखाई देता है गोल्ड के बाजू में, टैक्स सेविंग फंड। तो आपको टैक्स सेविंग फंड पे टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो ये देखिए मिनिमम 500 रुपये का SIP आप कर सकते हो। तो देखिए परचेस कैसा करते हैं, आप पूरा ये वीडियो अंत तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो 500 रुपये का समझो मुझे टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही कंटिन्यू में जाएगा तो आदित्य बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ फंड सजेस्ट कर रहा है फ़ोन पे, और ICICI प्रोडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग। तो ये दो फंड फ़ोन पे ने सजेस्ट किए हुए हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों टैक्स सेविंग फंड है, तो आप इसका डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। जैसे कि व्यू डिटेल्स में आप जाएंगे तो ये देखिए NAV 28.62, अभी फ़िलहाल का 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप 11.55। तो फंड साइज़ देखिए 8,850 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन है। 3 ईयर्स लॉकिंग पीरियड रहेगा, बट ये आपको 3 ईयर्स लॉक करके ही रखना पड़ेगा। इस पर आप पढ़ सकते हो कि कैसा है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द यूनिट्स कैन नॉट बी सोल्ड और रिडीम बाय द इन्वेस्टर, यानी कि 3 साल तक आप सोल्ड नहीं कर सकते हो इस फंड को। तो आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। देखिए अभी यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली खुल गया है। तो समझिए आपने अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता 10 ईयर्स बैक, तो आपको देखिए यहाँ पे सब कंपेयर किया हुआ है। सेविंग बैंक में आप रखते होते 1 लाख तो 1,48,000 होता। अगर फिक्स डिपॉजिट में आप रखते तो 2,31,000। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है PPF तो उसमें 2,22,000। अगर आपने आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 में इन्वेस्ट किया होता तो 3,16,360 रुपया आपका ये बन जाता। तो इसके लिए फंड का काफ़ी अच्छा स्टैटिस्टिक है, तो अच्छा फंड है। और दूसरा एक फंड सजेस्ट है ICICI प्रोडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग, तो इसका भी अच्छा खासा रिटर्न है। 5 साल का उसका 9% के आसपास रिटर्न है, 6 और 3 साल में 6.53 का रिटर्न, 6.5% का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस फंड ने हालांकि आदित्य बिरला रिलीफ फंड से 10 साल का अगर टेन्योर देखा जाए तो 14% और आदित्य बिरला ने 12% दिए। तो मुझे अभी आदित्य बिरला का परचेस करना है, इन्वेस्ट करना है इसमें 500 रुपये का। तो इन्वेस्ट नाउ में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पैन कार्ड पूछ रहा है, पैन कार्ड मैं डाल दूँगा अभी। जैसे ही पैन कार्ड नंबर डाला तो वेरीफाई पैन करेगा मैं, और यहाँ पे सब आ गया है मेरा। अभी मैं ईमेल आईडी मेरा जो भी रहेगा वो ईमेल आईडी डाल लेगा मैं, जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो इंटर करना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जन्म तिथि हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं अभी।
टैप टू जेंडर मेल टैप सेलेक्ट में अभी स्टूडेंट इनकम रेंज 1 लाख के नीचे तो कंटिन्यू कर देगा मैं। जैसे ही कंटिन्यू करेगा उसके बाद देखिए दोस्तों अब पे का ऑप्शन आ गया है मेरे इंटरफेस में फ़ोन पे के। जैसे ही मैं पे का ऑप्शन क्लिक करता हूँ मेरा पासवर्ड डालता हूँ तो ये देखिए अभी सेंडिंग पेमेंट और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों देखिए मैंने अभी परचेस कर लिया है आदित्य बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड और इधर लिख के आया पेमेंट सक्सेसफुल मेरा डेबिट हो चुका है मेरे अकाउंट से और योर ऑर्डर विल बी प्रोसीड विद इन 1-2 वर्किंग डेज। तो उसके बाद रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा जो भी आपने परचेस किया है उसका रिसिप्ट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखा रहा है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पेमेंट डन हो चुका है। पेमेंट डिटेल्स भी आप देख सकते हो टैक्स सेविंग फंड्स में 500 रुपये का तो मेरे अकाउंट से वो डेबिट हो चुका है। तो उसके बाद देखिए यूनिट्स अलोकेशन होएगा 1 से 2 दिन लगेंगे। उसके बाद आपको मेल पे रिसिप्ट आएगी जो कि आदित्य बिरला सनलाइफ टैक्स रिलीफ फंड से रहेगी। तो यही प्रोसेस था आप भी इस टैक्स सेविंग फंड में सेविंग कर सकते हो क्योंकि SIP काफ़ी अच्छा है और लॉन्गर टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ोन पे से भी या अदर ऐप से भी आप कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।